हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल शान टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज हमारे पास ये जियो का F10Q और इसको हार्ड रीसेट करना थोड़ा टफ होता है, बट हम आपको सिखा देंगे किस तरीके से करना। देखिए ये वाला, ये की और ये की, ये दोनों हमें एक साथ दबानी है और फिर हमें पावर बटन को जो है प्रेस करना है। देखिए इस तरीके से, और जैसे ये ऑन हो जाएगा पावर की इसको हमें रिलीज़ कर देना है। ये पावर की हमें रिलीज़ कर देना है और उसके बाद जो है यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा टफ है तो वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए अभी भी ये नहीं आया है, तो एक बार दोबारा से हम करते हैं। देखिए पावर की को हमें छोड़ देना है, जब तक वो नहीं आएगा हमें ऊपर की और नीचे की को दबा के रखना है। जैसे ही वो आ जाएगा फिर हम आगे का प्रोसेस आपको समझा देंगे किस तरीके से आपको करना है। देखिए ये हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर आपको सिंपली से क्या करना है, देखिए देखो ये जो की है और ये जो ऊपर है इससे आपका ये वाला चलेगा। देखिए ये आ रहा है ना ऐसे, ये ऐसे ऐसे ये लास्ट वाले पे लेकर आना है इस वाले बटन से और इसको ओके कर देना है। अब उसके बाद क्या करना है हमें, देखिए ये मैं आपको पास दिखाता हूँ, ये वाला की इससे ही आएगा। देखो ये 2 3 4 चौथे पे हमें ऐसे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर इसका कलर बदल चुका है। अब हमें क्या करना है, फिर से इसको लेकर आना है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ चुका है ना, इसको ओके कर देना है। अब ये रिबूट होगा, अभी हमारा फैक्ट्री रीसेट पे जाएगा। अब हमें इसको रीसेट करना है। देखिए यहाँ पर आ चुका है ना, अब यहाँ पर सिंपली से हमें फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर यस पे हमने क्लिक कर दिया और थोड़ी देर में ये हमारा जो है अभी बैक स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद जो है हम आपको बताएंगे क्या करना है। उसके बाद सिंपली सा रिबूट कर देना है। आपका जो भी लॉक वगैरह या हैंग ऑन लोगों का प्रॉब्लम होगा, वो आपका हैंग ऑन लोगो जो है 80% तक सॉल्व हो जाता है रीसेट करने से, बाकी का जो प्रॉब्लम है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, अभी ये हमारा हार्ड रीसेट हो रहा है तो इसको थोड़ा सा टाइम। देखिए यहाँ पर जो है ये बैक आ चुका है। अब इसको नीचे वाले पे एक बार बाइप कैच पर कर देते हैं। यहाँ पर फॉर्मेटिंग कंप्लीट दिखा रहा है। अब इसको हम रिबूट सिस्टम नाव पर लगा देते हैं और इससे रख देते हैं और अब हम इसको चेक करेंगे कितनी देर में जो है ऑन होता है। यहाँ पर थोड़ा जो है टाइम लेता ही ऑन होने में, तो अभी हम इसको चेक करेंगे कितना टाइम ले रहा है ऑन होने में। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपरली जो है ऑन हो चुका है। अब उसकी लैंग्वेज को हम सिलेक्ट कर देंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट और देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फ़ोन है वो हमारा रीसेट हो चुका है कम्प्लीटली और यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर ये प्रॉपरली ऑन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं नेटवर्क वगैरह सब आ गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।